तो चलिए बच्चों, आज का मसला शुरू करते हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितना पढ़ लिया था सर हमने पिछली क्लास में? बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ ली थी, बहुत भांति भांति प्रकार के, विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल छोड़ो, विद सीए इंटर एग्जाम्पल मैं तुम्हें करा चुका हूँ, है ना? राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने मैंने एग्जाम्पल तुम्हें कराए उससे बाहर एग्जाम में बनेंगे नहीं, बस उतने को क्या कर लेना, उतने को ही तहजीब से तमीज से क्या कर लेंगे सर, है ना, रिवाइज कर लेंगे। याद आ गई बात? ठीक है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन करे थे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जो इनलैंड नहीं होते, इनकुएट इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं बात? राइट। अधूरा अधूरा है ना, राइट, ये हमने पढ़ लिया था। और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस की फोटो याद होगी, भ्रमित, भ्रमित करने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं सर? एम्बिगुअस होते हैं। तो ये मजेदार बात पढ़ ली थी, सेक्शन 4, 5, 6 डिटेल में पढ़ लिया था, और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिए थे। सर आज का मुद्दा क्या है? सर आज का मुद्दा है बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार। सर वो मुद्दा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएशन से कैसे, है ना, क्या किया जाता है, नेगोशिएशन से कैसे ट्रांसफर या भेजा जाता है। तो नेगोशिएशन का मतलब क्या है सर? नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफर, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कैसे होता है। सर बच्चों वाली बात है, मुद्दे मुद्दे की बात तो हम कवर कर ही चुके हैं, बच्चों वाली बात है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएशन कैसे होगा। तो नेगोशिएशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, भेजना। अब इसलिए हम इसकी हेडिंग क्या डाल रहे हैं सर? इसकी हेडिंग हम डाल रहे हैं नेगोशिएशन। क्या डाल रहे हैं सर? नेगोशिएशन। और अगर मजेदार बात देखो तो भाई, नेगोशिएशन में हमने मोटा मोटी दो बातें पढ़ेंगे हम। कितनी बातें पढ़ेंगे सर मोटा मोटी? दो ही बातें भैया, दो ही बातें भाई बहनों, देवे सोचनो, मोदी जी पूछ रहे हैं, दो बातें पढ़नी है सर। एक है ना, पहली बात, कोई भी प्रॉमिसरी नोट, कोई भी बिल और कोई भी चेक, ठीक है, राइट, हमेशा क्या होगा? पेबल टू कैसे होगा सर? अगर वो पेबल टू बियर है, बियर समझ रहे हो होश में? पेबल टू क्या है सर? बियरर। तो भाई यानी कि बियर मतलब जिसको पाया उसका, पाया मैंने, पाया तुम्हें, अपना बनाया तुम्हें, ये वाला गाना लगेगा, जिसको पाया उसका। अगर वो पेबल टू बियर है तो उसको कैसे दूसरे के को या किसी और को ट्रांसफर किया जाए, कैसे उसको नेगोशिएट किया जाए, बताओ कैसे बाबू, कैसे कैसे नेगोशिएट करें? सिंपल, क्या करके? नहीं नहीं किसको कैसे करके? अगर मान लो सेल्फ का है, सेल्फ का, तो अगर मुझे तुम्हें देना तो कैसे कर दूंगा? हाँ, और तुम्हारे हाथ पे पकड़ा दूंगा, पर वो बियर है, तो जिस पे लिखा हो सेल्फ, क्या लिखा हो? सेल्फ, यानी मैंने चेक काटा, है ना, होश में हो कि नहीं हो? ठीक है। और पिताजी ने बोला, ए बचुआ सेल्फ वर्ड लिख दिए हैं तो जान चली जाए, इसे खो मत दियो, क्योंकि सेल्फ का मतलब ये है कि जिसके हाथ में होगा वो बैंक में जाके क्या निकाल देगा, पैसे निकाल देगा। पिताजी ने मान लो भैया साइन कर दिए, ठीक है। तो अब ये सेल्फ जो बियरर चेक होता है, इसको अगर एंडोर्स करना है ना, इसको अगर क्या करना है, एंडोर्स करना, तो कैसे करना है? हालांकि हम जानते हैं कि भैया बिल वगैरह है ना, ये बियरर नहीं होते हैं आरबीआई के हिसाब से, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर तीनों को क्या कर रखा है, एक साथ लिख रखा है। तो बुरा मत मानना सर, आपने पिछली क्लास में बोलता बीओई बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी बियरर नहीं होता, है कि नहीं बात? वो ठीक बात है, लेकिन वो किसने बताई है? आरबीआई ने बताई है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने जब लॉ बनाया तो तीनों को साथ में लेके बना दिया, समझ गए ना? तो लॉ बनाने टाइम पे लिख दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो तीनों हो गए। तो जो आरबीआई ने उसके एक्सेप्शन दिए हैं उनको दिमाग में रखना है ना, राइट। तो भैया ये बताओ, अब इसको इसलिए चेक की बात कर रहा हूं, अगर चेक की बात कर रहा हूं तो सेल्फ है, क्या है? सेल्फ। अब इसको मुझे नेगोशिएट करना है, तुम्हारे हाथ में दे, तुम्हारे पास पहुंचाना है, तुम्हें है ना ट्रांसफर करना, तो कैसे करूंगा? सिंपल तरीके से तुम्हें, ए भैया ए बच्चों, जरा पकड़ लो हाथों में, दे दिया। यानी पिताजी को सोचो, तुम्हें कैसे करते हैं, सेल चेक देते हैं तो तुम्हें दे देंगे, तुम्हें एंडोर्स नहीं करते, क्या नहीं करते? एंडोर्स नहीं करते, पीछे लिखोगे भैया एंडोर्स टू, अपने बालक का नाम लिखेंगे और फिर कहेंगे जा चेक निकालना, नहीं। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट को अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो जज साहब ने बोला बहुत सिंपल है, सिंपल बाय डिलीवरी उसे क्या कर दो, सिंपल बाय डिलीवरी उसे नेगोशिएट कर दो, यानी कि ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना, राइट। तो ये बियर इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई। अब सर अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट, अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल या बाबू चेक, किसी
कैसे होगा सर? अगर ये पेबल है, पेबल टू किसको सर? खतरनाक बात, ऑर्डर। अगर वो बियरर है तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? ऑर्डर होता है ना भाई। या तो इंस्ट्रूमेंट बियरर होगा या फिर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ऑर्डर होगा। या तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? बियरर होगा या फिर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ऑर्डर होगा। अगर बियरर है ना तो क्या होगा? ऑर्डर है तो क्या होगा? बाकी इनलैंड इनक्वेट तो उसके टर्मोलॉजी होगी एक तरीके से। तो या तो बियर होता है या ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो बताओ मैं तुम्हें कैसे इसको ट्रांसफर कर दूं, कैसे इसे नेगोशिएट कर दूं? इसमें एंडोर्समेंट डालनी पड़ेगी। अब तुमने बिल्कुल सही, इसका मतलब तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को है ना बिल्कुल समझ चुके हो। अब कल को अगर मैं इंजेक्शन लगा खून निकाल लूँ तो कुछ बातें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की निकल जाएंगी। हाँ सर कुछ तो आ गया मतलब है ना, राइट। अगर तुमने ये बात पकड़ ली तो इसका मतलब तुम समझ चुके हो कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा क्या होता है, या तो नाम लिखा होता है, लिखा होता है ना नाम। पहली क्लास याद करो जो मैंने तुम्हें डिफरेंस समझाया था, व्हाट इज नेगोशिएशन, व्हाट इज बियर और व्हाट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में अगर नाम लिखा है तो भी वो ऑर्डर है, या फिर नाम के साथ साथ लिखा है नेम और ऑर्डर, तो या तो जिसको मिला है उसको जाएगा या वो जिसे बोल रहा है उसको पेमेंट दे देना। बात समझ में? तो ये तो होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अगर है और मैंने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में तुमने मुझे चेक दिया और चेक पे लिख दिया पे टू अंकुर अग्रवाल और ऑर्डर, तो अब मुझे लग रहा है कि भाई तुमने अंकुर अग्रवाल को लिख दिया या उसके ऑर्डर पे लिख दिया, अब मुझे पेमेंट देनी है भैया पराग गुप्ता जी को। तो मैंने क्या किया, मैंने गुप्ता जी के नाम पे उसे क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, तभी तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को मुझे गुप्ता जी को, गुप्ता सर को देना है, पराग गुप्ता सर को देना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे एंडोर्स करना पड़ेगा सिर्फ। नहीं, साइन तो हो ही गए, साइन करने का तो करना पड़ेगा नालायक, एंडोर्स के बाद उन्हें देना नहीं पड़ेगा क्या? एंडोर्स तो मैं अपने घर पे करूंगा बैठ के, है कि नहीं बात? लेकिन एंडोर्स करने का मुझे कोचिंग में लाना भी तो पड़ेगा सर, है ना, जो मेरे को पेमेंट देनी है आप इससे इससे निकलवा लेना पेमेंट, ठीक है। इसलिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में दो बातें लिखी हैं, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको एंडोर्समेंट करनी ही करनी है, प्लस प्लस साथ साथ क्या करना है सर, डिलीवरी भी करनी है। क्योंकि खाली खाली एंडोर्समेंट लिखकर है ना फायदा तो नहीं होगा ना, सामने वाले को बताना तो पड़ेगा। अब खाली उसकी डीपी देख देख कर आहें भर रहे हो तो प्रपोज थोड़ी हो गया, है कि नहीं बात? उसे बताना तो पड़ेगा, है कि नहीं बात, राइट। तो सामने वाले को मनी मन मोहब्बत करने से भाई कुछ फायदा नहीं है, सामने वाले को कभी ना कभी तो अपने दिल की बात बतानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने बोला, यही मोहब्बत वाली बातें हैं भैया, सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा मुन्ना मुन्नी, सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा, सामने वाले को डिलीवर करके यानी बताना भी जरूरी है। भैया इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब तुम जाके चेक भुना लेना, यानी तुम जाके चेक को है ना एन कैश करा लेना, अपने खाते में डलवा लेना। बात समझ में आ गई? क्योंकि ऑर्डर को पहले एंडोर्स करते हैं उसके बाद, इसका मतलब हमने ये ज्ञान की बात क्या समझी, क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ये एग्जाम में लिखनी, ये तुम्हारे से समझ के लिए, क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को पहले क्या करना पड़ता है, पहले एंडोर्स करना ही पड़ता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को पहले एंडोर्स करोगे फिर सामने वाले को है ना चिपका दोगे। बोलो नेगोशिएशन बात समझ आ गई? अगली बात सर, अगर इसी बात को सेक्शन 47 ने एक एक्सेप्शन बनाया, सुनना ध्यान से, सेक्शन 47 ने किसका एक्सेप्शन बनाया, नेगोशिएशन का एक एक्सेप्शन बनाया, ठीक है, राइट। और सेक्शन 47 ने ये बोला, होश में सुनेंगे सभी भाई लोग, कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी इवेंट पर डिपेंड हो जाता है, किस पर इवेंट पर डिपेंड हो जाता है, किसी इवेंट पर डिपेंड हो जाता है। जैसे वो इवेंट क्या है कि मान लो एक इवेंट डाला कि भैया उस किसी एक्स पर्सन की मृत्यु होगी, एक्स की मृत्यु होगी, नहीं, हो रही सिंपल, एक्स की मृत्यु होगी तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, चेक दे दूंगा या बिल दे दूंगा तुम्हें। अब ये जो सर्टेन है अनसर्टेन है, मृत्यु सर्टेन है ना, राइट। तो भाई ये तो सर्टेन है, अब जैसे सूरज निकलेगा तो दे दूंगा कल का, तो कल तो सूरज निकलेगा, सर्टेन है भाई, है कि नहीं बात? तो मैंने ये, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसमें कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट और कंडीशन भी जो सर्टेन है, ठीक है। तो भैया सेक्शन 47 क्या बोलता है, सेक्शन 47 बोलता है अगर अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
किसी इवेंट पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, इवेंट पर डिपेंड है, जैसे वो इवेंट क्या है, डेथ। अगर नेगोशिएबल स्टूडेंट किसी इवेंट पर डिपेंड है तो मुन्ना मुन्नी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल नहीं माना जाएगा, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल नहीं मानेंगे, यानी वो नॉट नेगोशिएबल रहेगा, यानी नॉट ट्रांसफरेबल रहेगा। कब तक, जब तक कि वो इवेंट ना हो जाए। तो बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास से तुम्हारे पास कब जाएगा, जब किसी एक्स व्यक्ति की क्या होगी सर, मृत्यु होगी। तो क्या लिखेंगे, तो नेगोशिएशन का ये एक एक्सेप्शन बना, नेगोशिएशन क्या बना सर, ये एक्सेप्शन बना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट नेगोशिएबल रहेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट नेगोशिएबल रहेगा अंटिल अंटिल सच इवेंट, जो मृत्यु का इवेंट है जिसपे हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डाला है, सच इवेंट हैपन, जब तक कि वो इवेंट ना हो जाए, यानी कि इवेंट पूरा होने पर ही। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इज इवेंट के पूरा होने पर ही, इवेंट पूरा होने पर ही क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल मानेंगे, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल माना जाएगा, माना जाएगा या मानेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमने क्या पढ़ा, हमने ये नेगोशिएशन के कुछ मज़ेदार बातें पढ़ी एक पेज में, अगर तुम समझो तो। ये है मुद्दा आज का, अगर एक पेज में समझो, जिसमें से हमने इसका एक एक्सेप्शन पढ़ लिया 47। तो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट या तो बियरर होगा या फिर ऑर्डर होगा। अगर बियरर है ठीक है, सेफ लिखा है तो जिसके हाथ में दे दोगे वो उसका हो गया, उसमें एंडोर्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो जिसके हाथ में होता है उसी का हो जाता है। अगर अगर वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑर्डर है, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को करना पड़ता है एंडोर्स के साथ साथ डिलीवरी भी करनी पड़ती है, क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को पहले डिलीवर किया जाता है। इसका एक्सेप्शन बनता है क्या, 47। 47 कहता है अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप किसी इवेंट पर डिपेंड कर देते हैं, तो जब तक वो इवेंट ना हो जाए, जब तक वो इवेंट पूरा ना हो जाए, वो इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं रहेगा, नेगोशिएबल नहीं बनेगा। समझे मुन्ना मुन्नी, ठीक है। तो देखो सर यही प्यार भरी बात है, अब हम पढ़ लेते हैं अपने नोट्स में सर ये लिखी बात, नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कैसे किया जाता है, राइट यानी कि मतलब क्या लिखा है सर, नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू एनी अदर पर्सन टू कॉन्स्टिट्यूट पेमेंट, जिससे क्या बन जाए, जिससे सो दैट कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन, जिसको ट्रांसफर किया गया है, जिसके हाथ में यह दिया जा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स द होल्डर। तब जिसके हाथ में होगा हम उसे क्या बोल देंगे, होल्डर, के भैया तुम्हारे हाथ में है ना, और तुम इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब आती है बात 47 जो मैंने तुम्हें लिखवाया है ना। अब ये बताओ बियरर इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर नेगोशिएट होता है बाय डिलीवरी, कौन सा होगा वो, तो वो होगा सर बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। और डिलीवरी क्या होगी सर, अपनी इच्छा से होगी डिलीवरी, अपनी इच्छा से मतलब चोरी चकारी की डिलीवरी नहीं होगी, कि चोरी कर दिया या फिर जबरदस्ती छीन लिया, तो छीना झपटी नहीं करनी एक दूसरे के साथ, है कि नहीं बात, राइट। क्या करना है, अपनी इच्छा से वॉलंटरी डिलीवरी करनी है। ये रहा एक्सेप्शन भाई, ये रहा सेक्शन 47 का एक्सेप्शन, पढ़ना जरा जो मैंने तुम्हें बात हिंदी में लिखवाई समझाई ना, उसको उन्होंने थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज में लिख रखा है, पर मुद्दा वही है। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक डिलीवर ऑन द कंडीशन, कि डिलीवर किया गया है एक कंडीशन के तहत, वो कंडीशन क्या है ना, इट इज नॉट टेक इफेक्ट, इट इज नॉट टेक इफेक्ट मतलब वो नेगोशिएशन नहीं होगा, यानी कि वो नेगोशिएबल नहीं होगा, वो नेगोशिएबल नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अ सर्टेन इवेंट नॉट नेगोशिएबल, सर्टेन यहां पे नेगोशिएबल का मतलब है सर्टेन इवेंट नॉट हैपन, नेगोशिएबल का यहां मतलब क्या है, सर्टेन इवेंट नॉट हैपन, है ना। तो इट इज नॉट टेक इफेक्ट एक्सेप्ट द सर्टेन इवेंट, हमने एग्जाम्पल में सर्टेन इवेंट क्या रखा, मान लो किसी की मृत्यु पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर है ना बनाया गया है, तो एक्सेप्ट द सर्टेन इवेंट इज नॉट हैपन, राइट। उसके बाद क्या लिख दिया, दैट इट इज नॉट टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन द सर्टेन इवेंट नॉट हैपन अनलेस सच इवेंट हैपन, है ना, राइट। एक्सेप्शन क्या लिखा है, एक्सेप्शन क्या लिखा है, कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
ठीक है ना, राइट, इज इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ द कंडीशन। अगर ये बताओ, अगर तुम्हें कंडीशन का अता पता ही नहीं है, भाई क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें क्या दे दिया, मैंने तुम्हें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, ठीक है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेरे अंदर ये बात है कि भाई इसकी मृत्यु होगी तो भाई तुम ये क्या कर लेना, पैसे निकाल लेना, भाई एक्स वाई जेड की मृत्यु हुई तो भाई देख मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, है ना, राइट, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात बताई नहीं। अरे जब तुम्हें इवेंट का पता ही नहीं है, है ना, तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल माना जाएगा, ये तो लिखी बात, एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू। बस एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है फॉर वैल्यू है, वैल्यू मतलब किसी चीज के लेन देन के बदले है, वैल्यू मतलब क्या है, किसी चीज के लेन देन के बदले, यानी कि मैं तुम्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं, तुमसे मैंने कोई ना कोई जरूर क्या किया है सर, लेन देन किया है, और वैल्यू के साथ साथ तुम्हें नोटिस का पता भी नहीं, विदाउट नोटिस ऑफ द कंडीशन, तुम्हें उस डेथ वाली कंडीशन का पता भी नहीं है। तो जिस बंदे को कंडीशन का ही नहीं पता, इन शॉर्ट कहने का मतलब यह भैया, जिस बंदे को कंडीशन का ही नहीं पता, कौन सी कंडीशन का, जिसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल करा गया है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने के लिए तुमने उस बंदे को, सामने वाले बालक को कंडीशन ही नहीं बताई, तो जब उसे कंडीशन पता ही नहीं, तो वो और जज दोनों ही एक चीज क्या मानते हैं कि अब ये क्या है, ट्रांसफरेबल है। अरे तुम मुझे बताओगे तभी तो होएगा, तो मैंने क्या मान लिया, ट्रांसफरेबल है ना, बात समझ में आई ना, तो एक तरीके से बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की तरह खामोशी का मतलब हाँ मान लेंगे, तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं हाँ मान लेंगे, हंसी तो फंसी है कि नहीं बात, राइट, मना तेरा ना मना करना ही या तेरा ना बताना ही ट्रांसफरेबल है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खामोशी का मतलब हाँ के तरीके से मानता है कि ना बताना ही नेगोशिएबल है, तो या फिर तुम्हें बतानी पड़ेगा वो इवेंट, याद हो जाएगी बात, ठीक है। तो 47 ने एक एक्सेप्शन दे दिया बस। अब 48 क्या बोलता है, 48 क्या बोलता है, अगर तुम देखो तो मैं ये कौन सेक्शन बन गया, ये 48 ही तो हो गया, और ये क्या हो गया, ये 47 हो गया, एक्सेप्शन भी किसके अंदर है, 47 के अंदर ही तो है, बात समझ में आई ना, राइट। 48 क्या बोल रहा है, अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा बाबू, ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हमेशा ट्रांसफर किया जाएगा, नेगोशिएट किया जाएगा, पहले तो तुम उसे एंडोर्स करोगे, पीछे वाला नाम लिखोगे पर्ची पे, और फिर उसको डिलीवर भी करोगे, इसलिए एंड लिखा है। लेकिन एक मजेदार बात, 48 ने 57 के साथ मिलकर एक झोल कर दिया, है ना, 57 ने बोला, सुनना ध्यान से, 57 ने बोला अगर किसी, इफ अ पर्सन मेक द एंडोर्समेंट, अगर किसी बंदे ने क्या क्या एंडोर्समेंट किया है, ठीक है, एंडोर्स कर दिया, बट बिफोर मेकिंग द डिलीवरी, सुनना ध्यान से क्या मतलब हुआ इसका, एक बंदे ने, है ना, अपने बिल को एंडोर्स तो कर दिया भाई, ठीक है, यानी कि एक बंदे के पास कोई भी चेक था या बिल था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, उसने पीछे क्या लिख दिया, एंडोर्स टू एक्स। अब ये तो घर पे लिखा है ना, ये घर पे तो लिखा है, अब वो चल दिया क्या करने, डिलीवरी करने। अरे यहां ये तो तुमने घर पे लिख दिया ना, अब सामने वाले के हाथ में नहीं दोगे, ये हाथ फैला के खड़ा है, आजा आजा आजा, दूसरा हाथ फैला रखा भाई ने पूरा, है कि नहीं बात, दोनों हाथ फैला रखे भाई ने। अब जिसने एंडोर्स किया वो बेचारा जब डिलीवरी के लिए जा रहा था तो चेक पे उसने नाम तो लिख दिया एक्स का, एंडोर्स टू एक्स, लेकिन बेचारा रास्ते में अल्लाह को प्यारा हो लिया, बताओ कितना दुखद दिन आया, क्या हो लिया भैया, वो रास्ते में ही अल्लाह को प्यारा हो लिया। अब भाई ये खबर तुम्हें लगी, ये खबर तुम्हें लगी, तुम भी बहुत दुखी, अब अच्छा खासा पैसा मिलना था यार, पेमेंट आनी थी, पेमेंट आएगी, अब डर तो हो गई ना भाई, जिससे पेमेंट आ रही हो, है ना, मान लो करोड़ों रुपए की पेमेंट आ रही हो, वो बेचारा पेमेंट खुद लेके आ रहा तुम्हारे पास चेक के नाम पे, है ना, ऑनलाइन जमाना गया, ऑनलाइन वाली ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा वो, और बेचारा वो क्या हो गया, रास्ते में निकल लिया बेचारा अल्लाह को प्यारा, तो दुख तो तुम्हें भी होएगा जितना उसके घर वालों को, उससे ज्यादा तुम्हें दुख हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे तो पैसे फंस गए। अब भैया देखो, इंसान क्या है, लालची आदमी है कि नहीं, इंसान का, इंसान की फितरत ही क्या है,
लालची, ठीक है ना? बोलो भाई साहब, ये बंदा भैया इतना लालची निकला, चालू आदमी है मिस्टर चालू, ये इतने लालची निकले। 13वीं भी ना हुई थी भाई अंकल जी की, अंकल जी की 13वीं भी नहीं हुई, मिस्टर चालू कहाँ पहुंच गए? एक्स के घर पहुंच गए। उन्होंने क्या किया? डिमांड सच बिल। उन्होंने कहा बेटा पापा की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? देख रहे हो कितना चालू आदमी है, किससे बोल रहा है? बच्चों से, उसके किससे? बी बच्चों से, उनके बच्चों से बोल रहा है, उस उनके ही घर पे जाकर, है ना, कि बेटा तुम्हारे पापा की अंतिम इच्छा क्या थी? कि वो चाहते थे कि अब सारी उधारी, है ना, पे करके जाए, बच्चों पे क्या ना रहे, बोझ ना रहे, है ना। और बेटा दुख तो मुझे बहुत है, बहुत भले इंसान थे, कभी भी पैसा एक भी नहीं मारा, कभी भी बीमारी निकली टाइम पे पैसा दिया है। और तुम्हारे पापा ने बेटा, एक चेक है तुम्हारे पास, तुम्हारे पापा ने उसे मेरा नाम लिख रखा, मेरा नाम है ना चालू, मेरा नाम क्या है? चालू नाम है मेरा। अब मेरा चालू नाम है तो वो चेक बना रखा मेरे नाम पे, बस तुम्हें क्या करना है? मुझे दे देना बेटा, मुझे दे दो तो मैं, अब बताओ अल्लाह को प्यार हो गया, आत्मा को शांति भी ना मिली, 13वीं भी ना हुई, बताओ इतने खतरनाक लोग हैं दुनिया में, है कि नहीं बात? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़े रुपये, शायद यही कहावत है। अब उसके घर वाले बहुत भले इंसान निकले, उन्होंने क्या कर दिया? दे दिया, है ना। घर वाले इतने भले इंसान निकले कि डिमांड सच बिल फ्रॉम, है ना, चिल्ड्रन। और जो उनके बच्चे थे, बच्चों ने क्या किया? डिलीवर द बिल टू चालू। सवाल ये उठा, ये जो बिल डिलीवर किया गया, इज इट वैलिड नेगोशिएशन और नॉट? क्या ये है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? भाई पहुंचना था, पहुंच गया उसके पास, है कि नहीं बात? बोलो तो वैलिड नेगोशिएशन हुई कि नहीं हुई? इस सवाल का जवाब दिया सेक्शन 57 ने। किसने दिया सर? 57 ने दिया होश में। 48 ने बोला था नेगोशिएट के बाद क्या कर देना है? डिलीवरी कर देनी है। नेगोशिएट तो हो गया, है ना, मतलब एक एंडोर्स, सॉरी नेगोशिएट करा, एंडोर्स, एंडोर्स के बाद क्या कर देना? डिलीवरी। एंडोर्समेंट तो लिख दी लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। तो 57 ने भाई ऐसे चालू आदमी के खिलाफ क्या दिया? वोट दिया। और तुम्हारा आंसर भी गलत किया, आंसर यस मत लिखा ना, कि सर डिलीवरी करने वाला एक तरीके से कौन होना चाहिए? या तो वही पर्सन या उसका कोई ऑथराइज पर्सन। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने लीगल हायर्स को क्या नहीं माना? ऑथराइज ही माना। हालांकि लीगल हायर्स, है ना, मृत्यु, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रखा है कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति की लाइबिलिटी लीगल हायर्स पे आ जाती है, लेकिन उतनी ही आ जाती है जितने वो एसेट छोड़ गए। बसंती वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहा है ठीक है भैया, बसंती लायबल है मरने के बाद आउटसाइडर्स के लिए, अपनी प्रॉपर्टी जितनी है उतनी लायबल है, लेकिन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने दिया है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सम्मान करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, और उसी सम्मानित सेक्शन का आपको पालन करना पड़ेगा। सेक्शन 57 ने ये बोला, ये रही बात, बहुत होश में पढ़ लेना अब ये बात। पर्सन ने एंडोर्समेंट कर दी बट बिफोर मेकिंग द डिलीवरी ही डाइज। डिलीवरी से पहले बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया, यहां रस्ते में ही जब वो डिलीवरी करने जा रहा था। बात समझ में आई ना? बोलो पहला स्टेप ये था, बेचारे की डेथ हो गई एंडोर्समेंट के बाद। भाई यहां लिख लो, चाहे देखो, पहले एंडोर्समेंट कर दिया, रस्ते में मृत्यु हो गई, बच्चों से उसने डिमांड कर लिया, बच्चों ने क्या किया? डिलीवर कर दिया। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा नहीं होगा? तो क्या लिखोगे? नॉट वैलिड। नॉट वैलिड का रीजन 1, 2, 3, 4, नॉट वैलिड का रीजन है सेक्शन 57, ये लिखी बात। आफ्टर वर्ड डिलीवरी इज मेड, उरी दादा, डिलीवरी इज मेड बाय द लीगल, बच्चों ने डिलीवरी कर दी भाई अपने पिताजी की इज्जत रखते हुए, कि भाई मेरे पिताजी ने जिसके नाम पे चेक बना दिया, तो भाई उसने बोल रहा बात, इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहा, तो भैया पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, भाई चलो भाई चेक बना दे, दे देते दे, 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 चेक।
इट डज नॉट रिजल्ट इन टू अ वैलिड नेगोशिएशन, डेंजर बात, तो ये वैलिड नेगोशिएशन नहीं माना जाएगा, राइट ये वैलिड नेगोशिएशन नहीं माना जाएगा। बोलो भैया समझा गया बात। तो ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो 48 के साथ क्या पढ़ लेना है, 57 को मर्ज करके पढ़ लेना, एग्जाम में लिख के आएंगे एज पर 57 ये वैलिड नेगोशिएशन नहीं मानी जाएगी, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने उनको एक तरीके से लीगल हायर्स को ऑथराइज एजेंट नहीं माना, है कि नहीं बात, कि मेरे यहाँ पे तुम काम करते रहो। मृत्यु के बाद तो भाई सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से तहस नहस हो जाते हैं, है ना। तो मृत्यु के बाद यार तुम किसी से मजे ले लो, ये जज साहब को बुरी लगी बात भाई। अगली बात, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी जरूरी क्यों है भाई, वाई डिलीवरी जरूरी है ना, क्यों डिलीवरी की जरूरत। सबसे पहली बात, डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, एसेंशियल होती है, क्या होती है, बिना डिलीवरी के पता कैसे लगेगा मेरे नाम पे पैसे हैं भाई, जब तक मुझे चेक नहीं दोगे तो मुझे फीस कैसे मिलेगी, चेक तो दे दो भाई, है कि नहीं बात, चाहे पेबल हो चाहे वो ऑर्डर, बच्चों वाली बात। डिलीवरी हमेशा कैसी होनी चाहिए, अपनी इच्छा से, यानी कोई छीना झपटी मार पिटाई बंदूक चाकू दिखाकर डिलीवरी नहीं करनी, ले निकाल जल्दी चेक काट, समझ रहे हो ना, कि मैंने बंदूक निकाल दी, बंदूक है नहीं यार मेरे यहाँ पे, है ना, कि बंदूक निकाल दी और मैंने क्या बोल दिया, चेक काट, वो अपनी इच्छा से आप डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है। डिलीवरी कर रहे हो तो किस बात की कर रहे हो, डिलीवरी शुड बी पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर्टी दे रहा हो, ऑब्वियसली बात है यहाँ प्रॉपर्टी क्या होता है, पैसा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पैसा, है ना, या एक तरीके से पैसे, पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट वो सेल्स अग्रीमेंट में क्या है, ओनरशिप, तो यहाँ भी एक तरीके से वो कह रहे तुम सेल्स अग्रीमेंट में चलेंगे प्रॉपर्टी का मतलब, है ना, तो यहाँ भी एक तरीके से पैसा होगा, पैसा या ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, के आप सामने वाले को वो पैसा या उसके अधिकार देना चाहते हो, ठीक है। डिलीवरी कैसी हो सकती है, एक्चुअल तुम्हारे हाथ में दे दिया, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, चिंटू याद आ गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कुछ डिलीवरी की बातें हमने सोगा में भी पढ़ी थी भाई, कुछ वही बातें लिखी हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या थी, जो डिलीवरी हमने किसको दी थी, चिंटू की मम्मी को, सामने चिंटू को दे जा, तो डिलीवरी टू चिंटू इज इक्वल टू डिलीवरी टू यू, भूल गए रूल्स ऑफ डिलीवरी, है ना, एक्चुअल डिलीवरी, सिम्बॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, तो ये वही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है निकम्मो। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, कि तुमने तुम्हारी डिलीवरी तुम्हारे किसी एजेंट को दे दी, तो तुमने बोल दिया भैया उनको दे दियो पैसे जाके, बात समझ में आ गई ना, हाँ ठीक है। अगली बात सर, सेक्शन 46 और ये बात और बोलता है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंडीशनली दिया गया, कंडीशन समझ गए, जैसे मृत्यु पर, या अगर ऐसा हो जाएगा तो दूंगा, कंडीशनली है ना, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंडीशनली दिया गया या फिर फॉर स्पेशल पर्पज, किसी स्पेशल पर्पज के लिए दिया गया है, समझ गए, स्पेशल पर्पज, जैसे कि भाई सिर्फ पढ़ने के लिए दूंगा, है ना, अब पिताजी ने तुम्हारे नाम पे चेक काट दिया, तो पिताजी कहना ससुर इसे निकालेगा तो काहे के लिए निकालेगा, पढ़ने इधर उधर, ये ना कि भाई पैसे निकाल लिए, बाइक खरीद ली, है ना, तेरी कोचिंग की फीस, इंस्टीट्यूट की फीस, उसके लिए दिए पैसे मैंने, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काटा गया है, बोलो बात समझ आई ना, राइट। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आईपीओ के लिए, समझ गए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी आईपीओ निकालती है अपना, बहुत सारे आईपीओ आते हैं, तो तुम्हें लगता है ये आईपीओ में मैं पैसा लगाऊंगा और ये आईपीओ का शेयर प्रीमियम पे लिस्ट होगा, किस पे लिस्ट होगा, प्रीमियम पे लिस्ट होगा, तो तुम क्या करते हो, तुम पहले से ही चेक काट के दे देते हो, यही होता है ना, अब तो खैर ऑनलाइन ब्लॉक हो जाता है पैसा, तो पहले से तुम चेक काट के दिया है कि बैंक को ये बोल दिया, अगर मेरा आईपीओ लग गया तो इतना पैसा क्या कर देना, कंपनी वालों को दे देना, और मुझे क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे, तो पहले से मेरे उतने पैसे को क्या कर लो, होल्ड कर लो, यानी कि तुम्हारे खाते में मान लो 5 लाख पड़े हैं, तुमने आईपीओ में लगा दिए मान लो 2 लाख, तो बैंक वाले तुम्हारे खाते में अब तुम्हें कितने दिखाएंगे, 3 लाख, क्योंकि तुमने खुद बैंक को क्या दिया है कि 2 लाख मेरे क्या कर दो, होल्ड कर दो, तो उसे बोलते हैं चेक काट दिया आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि भाई इसी पर्पस में मेरा चेक लगना चाहिए, तो बैंक वाले तुम्हारा वो पैसा क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, कह देंगे तूने तो लिख के दिया था, होल्ड कर दो, तो आईपीओ मिलेगा तो कंपनी को दे देंगे, आईपीओ नहीं मिलेगा तो अनब्लॉक कर देंगे, तो एक तरीके से वो पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए, जब तक तुम्हारा आईपीओ नहीं लगता, ठीक है ना। तो या तो कंडीशनली मृत्यु जैसी कंडीशन लगा दी, या फिर आईपीओ जैसी कोई स्पेशल पर्पस लगा दिया, तो अगर वो कंडीशन लगा दी गई है तो प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी इन इट्स डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी,
प्रॉपर्टी उस ट्रांसफरी की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनली और स्पेशल पर्पस, तो प्रॉपर्टी अगर तुम उसको पास नहीं कर सकते जब तक कि वो स्पेशल पर्पस या कंडीशन क्या ना हो जाए, पूरी ना हो जाए। वही बात तो लिखी है ऊपर वाली, वही बात तो लिखी है भाई इंपॉर्टेंस में, यही बात तो लिखी है, जब तक कि वो कंडीशन या इवेंट पूरा ना हो जाए। तो ये बात लिखी है, इसी बात को इंपॉर्टेंस में डाल दिया। किसको कहाँ डाल दिया? इंपॉर्टेंस में, कि जब आपको प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब उस चेक की ओनरशिप, उस इंस्ट्रूमेंट का मालिकाना अधिकार, कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं, पैसा निकाल सकता हूं, उस चेक की ओनरशिप या प्रॉपर्टी आपको पास नहीं होगी, इवन आपको एंडोर्स ही क्यों ना कर दिया गया हो। क्यों? क्योंकि एंडोर्समेंट के बाद भी वो कंडीशन तो जुड़ी ही है। कंडीशन क्या लगाई? उसकी मृत्यु पर तुम्हें चेक मिलेगा, एक्स की मृत्यु पर चेक मिलेगा। अब मैंने तुम्हें क्या कर दिया भाई? एक्स की मृत्यु पर चेक मिलेगा, ये ले ले पकड़। तुमने किसी को दे दिया, अबे एक्स की मृत्यु पर चेक मिलेगा, इसे पकड़। अब तुम उसे कितनी बार एंडोर्स कर दो? अरे वो चेक विड्रॉ ही कब होगा? बस। तो फिर इवन दो अगर आपने उसे एंडोर्स भी कर दिया तो भी प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी सर? प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी इवन दो इट इज एंडोर्स। उसकी प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफरी को नहीं दी जाएगी, चाहे आप उसे क्या कर दो? एंडोर्स कर दो, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ी है? कंडीशन या स्पेशल पर्पस। अनलेस, मैदर बात, अनलेस मतलब कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी की हो जाएगी, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरी का माना जाएगा जब तक कि इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड टू HDC। HDC कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी जिसने चेक पकड़ लिया हो, याद आई बात? पिछली क्लास में बताया था HDC भोलू बन के, जिसे पिछले देने वाले की चोरी चकारी या पिछले देने वाले की कोई भी बेईमानी या उसके ऊपर शक नहीं है। इसका मतलब HDC यहां पे कौन हो गया? जिसने चेक पकड़ा भोलू बन के, और जिसे यहां पर कंडीशन का पता ही नहीं है, जिसे यहां पर इस कंडीशन का पता नहीं है। अरे जब तुमने जिसको बंदे को चेक दे दिया और उसे बताया नहीं कि मृत्यु पर मिलेगा ये, तो उसे तो तुम HDC मानोगे ना? वो कह रहा भाई मुझे बताया नहीं तो मैं तो भोलू। तो भोलू को क्या मिल जाएगा? वो चेक की प्रॉपर्टी मिल जाएगी और उस चेक को नेगोशिएशन या नेगोशिएट माना जाएगा। बात समझ में आ गई? यही वाली बात तो है भाई, ये वाली इंपॉर्टेंस, इसी बात को तो लिखा उन्होंने। ये एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस द कंडीशन, उसे नोटिस कंडीशन का पता है। इसी बात, उसी को क्या वर्ड दे दिया यहां पे? HDC। उसी को यहां पे क्या वर्ड दे दिया? HDC। अनलेस वर्ड पे अगर, अब इस पूरे 46 की इस लाइन को इंटरप्रिटेट करो, इस लाइन को, सेक्शन 46 को, है ना? सेक्शन 46 ये बात बोलता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या है? कंडीशन पे है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी पर्पस के लिए ड्रॉ किया गया है, तो प्रॉपर्टी यानी उस इंस्ट्रूमेंट का अधिकार, चेक लेने का, पैसा निकालने का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे वो तुम्हें एंडोर्स यानी चाहे वो तुम्हारे पास ट्रांसफर क्यों ना कर दिया जाए। इतनी बात समझ में? लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे ट्रांसफर करने के बाद भी कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट को भी और स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट को भी अधिकार मिल जाएगा, अगर सामने वाला बंदा कौन है? HDCO, क्योंकि HDC को मृत्यु की कंडीशन का पता नहीं होगा, क्योंकि HDC को मृत्यु कंडीशन पता नहीं होगा, अनलेस द इंस्ट्रूमेंट इज गिवन टू HDC। लिख लोगे हिंदी में ये बात? होश में हिंदी में लिख लोगे ना, ताकि रिवीजन हो तो तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आ जाए। लिख लोगे? क्या लिखोगे बात हिंदी में? अगर कोई कंडीशन या स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट सामने वाले को एंडोर्स किया जाता है तो भी उसको उसकी अधिकार प्रॉपर्टी यानी कि उसको पैसे का अधिकार नहीं मिलेगा, अनलेस कि वो HDC ना हो। अगर वो HDC है तो उसे अधिकार मिल जाएगा, अगर वो HDC नहीं है तो उसे सामने वाले को अधिकार नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई ना? हिंदी में इसको बिल्कुल तरीके से लिख लेंगे सर। डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज, बिल्कुल सिंपल सी बात। डिलीवरी कैसे इफेक्टिव होती है? तुच्छी बात है सर। अगर नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पार्टी, नेगोशिएशन कैसे होता है और उसकी डिलीवरी कैसे की जाती है? अगर पार्टीज बहुत इमीडिएट रिलेशन में, यानी बिल्कुल आमने सामने खड़े एक तरीके से, है ना, राइट, तो क्या होगा? डिलीवरी कैसे होगी? बाय मेकिंग, एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग, है ना, राइट, एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दो?
भाई मान लो एकदम से तुम मेरे सामने खड़े हो, है ना, राइट, तो मुझे तुम्हें डिलीवरी करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे नाम पे हाथ में दे दूंगा बना के, ठीक है, तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना, अगर बिल की बात हो तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अगर चेक की बात भी करते हो तो क्या होगा, या कोई और की बात एंडोर्स कर दूंगा इंस्ट्रूमेंट को, है ना, तो बेकार की बात है, कुछ खास सेक्शन नहीं है, ऐसे पढ़ेंगे इस वाले लाइन, इस वाले का आंसर ही है। अगर बहुत ही नियर रिलेशनशिप है ना, राइट, और नियर रिलेशन समझ गए ना, बाप को बेटे को देना है, इस तरीके से देना है, तो अगर किसी भी हाउ डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट, तो आप डिलीवर कैसे कर सकते हैं, तो सामने के सामने क्या कर दो, उसके नाम पे चेक बना दो, उससे कहते हैं एक्सेप्ट कर या उसको एंडोर्स कर दो, है ना, राइट। अगली बात, नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पार्टीज, ट्रांसफर कैसे हुआ इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर हुआ है बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट अदर देन एचडीसी, यानी कि एचडीसी को छोड़कर बाकी एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उनका कोई इमीडिएट रिलेशन नहीं है, है ना, यानी कि मैं तुम्हें चेक दे रहा हूं, तुम मुझे चेक दे रहे हो, हम एक दूसरे को क्या नहीं करते, जानते नहीं, बस व्यापार कर लिया हमने। अरे बताओ तुम नए कभी घूमने गए जिंदगी में, कहां घूमने गए बताओ, हिमाचल, गोवा, मध्य प्रदेश, कहां गए हो बहुत, अरे तो एक तो बता दो कोई जगह नहीं, अच्छा इंडिया से बाहर कहां गए हो, हैं, नेपाल गए हो, चलो मान लो भैया ये दोस्त कह रहा है हमारा, मैं नेपाल गया हूं, अब तुम जिंदगी में एक ही बार नेपाल गए, और नेपाल से तुमने कोई सामान खरीदा, और तुमने उसको क्या दे दिया, फॉर एग्जांपल चेक दे दिया, क्या दे दिया, चेक दे दिया, है ना, जब बहुत दूर गए कन्याकुमारी, वहां क्या दे दिया, चेक दे दिया, तो तुम वहां नियर रिलेशन में नहीं हो, क्या हो, अनजान रिलेशन है, नियर रिलेशन होगा जहां से हम डेली डील कर रहे हो या घर वाले जानकारी, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक ऐसे रिलेशनशिप के बीच में चेक की, चेक को नेगोशिएट किया गया, चेक को ट्रांसफर किया गया जो नियर रिलेशन नहीं है ना, अदर रिलेशन है, यानी एनी, है ना, बिटवीन सच पार्टीज एंड होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और जो एचडीसी भी ना हो, राइट, तो बताओ हाउ डिलीवरी इज टू बी मेड, डिलीवरी कैसे करी जाएगी उस इंस्ट्रूमेंट की, है ना, तो इट मे बी शोन दैट इंस्ट्रूमेंट और डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट वॉज डिलीवर्ड कंडीशनली और अ स्पेशल पर्पस ओनली एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्यूट द प्रॉपर्टी देयर इन, ठीक है, तो अगर आपको किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर करना है तो आप उसकी डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, कंडीशनली कर सकते हैं या फिर उसको स्पेशल पर्पज के लिए बना सकते हैं एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रांसफरिंग एब्सोल्यूटली द प्रॉपर्टी देयर इन, तुम ये नहीं कह रहे भाई कि इसमें जो लिखा है 100% तेरा ना, वो कह रहा है 100% तेरा होगा अगर अगर सामान मेरे घर पे डिलीवर हो गया, यानी कि अगर गुड्स मिले, ये भी तो लिख सकते हो भाई, तुम नेपाल चले गए, तुम केरल चले गए, तुमने कहा भाई नेपाल से ये खरीदूंगा, केरला से ये खरीदूंगा, तो तुमने उसे क्या बना दिया, चेक दे दिया, साइन भी कर दिए, है ना, तो तुमने कंडीशन डाल दी कि भाई ये तभी, ये तेरे को तभी क्या होगा, डिलीवर होगा जब मेरे घर पे क्या पहुंच जाएंगे, पता लगा मैंने तो चेक दे दिया, तूने चेक तो भुना लिया, भुनाना समझते हो ना, चेक से पैसे तो विड्रॉ कर लिए मेरे यहाँ, समझना तेरे पीछे घूमता रहूंगा मैं, है कि नहीं बात, राइट, तो हो जाता कई बार ऐसा, भैया मैं कॉलेज में पढ़ाने गया, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, बाद में मुझे क्या नहीं दे रहे, है ना, सैलरी पेमेंट ही नहीं दे रहे, तो मैंने कहा चेक दे दो, है ना, तो वो कह रहे हैं सर आपको चेक दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसे निकाल लेना, लेकिन ये चेक आपको डिलीवर कब होगा, आपके नाम पे बना देंगे लेकिन आपको डिलीवर कब होगा, है ना, ऐसे चेक को पता क्या बोलते हैं, ऐसे चेक को बोलते हैं पीडीसी, क्या बोलते हैं पीडीसी, का मतलब पोस्ट डेटेड चेक, समझते हो, हाँ, जैसे भैया अभी जो महीना चल रहा है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुमने कहा सर चेक ले लो, चेक में मेरे खाते में पैसे भी हैं, तुमने चेक के ऊपर डेट डाल दी, फॉर एग्जाम्पल 5 महीने बाद की, तो मुझे वो डिलीवर कब होगा, 5 महीने बाद, यानी कि मेरे पास डिलीवर, यहाँ डिलीवर का मतलब होगा कि मेरे पास रखा तो है लेकिन वो मैं बैंक में कब डाल पाऊंगा, 5 महीने के बाद, तो तुम मुझे 5 महीने बाद दो, अभी दो, मेरे पास पड़ा रहेगा बस वो, है ना, राइट, तो अगर कोई एज बिटवीन सच पार्टीज, अगर कोई अदर पार्टीज हैं और अदर होल्डर हैं जो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो चेक की डिलीवरी आप उन्हें कैसे कर सकते हो, या तो उसे कंडीशनली कर दो या उसे स्पेशल पर्पस के लिए कंडीशनली कर सकते हो, आप चाहो तो 100% पैसे की, है ना, पेमेंट या चेक को मत दो, कह दो भाई ऐसे नहीं कि ऐसे मिल जाएगा, कंडीशन लगा के दूंगा, राइट, तो कुछ खास बात नहीं है, तो उसे सिंपल सी ऐसी बात बता दे कि भाई आप चाहो तो दो तरीके से चेक को या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हो, एक अगर नियर रिलेशन है,
बहुत ही ज्यादा नियर रिलेशन है तो सामने के सामने बना दो भाई, तुम्हारा जानने वाला है। अगर नियर रिलेशन नहीं है, कोई अदर पार्टीज हैं, क्या है सर, सच अदर पार्टीज है, तो क्या करना, कंडीशन डाल, कंडीशन चेक भी आप दे सकते हो, कंडीशन बिल भी आप या कंडीशन प्रॉमिसरी नोट भी आप दे सकते हो, ठीक है, राइट, बोलो समझ में आ गई बात। हाँ डायरेक्ट आएंगे इसके, डायरेक्ट। अच्छा ये बताओ इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट ये बनेगा, ये एक बंदा था उसने चेक काट दिया, फिर बेचारा लिखने के बाद अल्लाह को प्यारा हो लिया, तो बताओ कि नेगोशिएट हो सकता है नहीं हो सकता, बात समझ में आई ना, यही बनेगा, बात समझ में आ गया ना, राइट। तुमने किसी कोई भी चेक कंडीशनल काट दिया, क्या काट दिया, कंडीशनल, तो चेक का नेगोशिएशन कब माना जाएगा, जब वो इवेंट हैपन हो जाएगा, तो ये केस स्टडी बना देंगे, मिस्टर एक्स से उन्होंने चेक काटा कि उन्होंने बोला कि वाई की मृत्यु होगी तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, वाई के बेटे सोहन, बताओ सोहन को पैसे कब मिलेंगे, व्हेन सच इवेंट हैपन, तो आपको 47 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता सर डिसऑनर का, किसका आता है सर, अब डिसऑनर के छोटा सा एसआर के बनाता हूँ, खेला खत्म, मजेदार एसआर के से खेला खत्म भाई, ठीक है, तो तुम्हें पता जाएगा जीवन में सर यही चलता है, जीवन में यही चलता है। अब भाई मान लो एक बालक बहुत ही खतरनाक तुम्हारी तरह, एक डेंजर बालक तुम्हारी तरह, ये मैं बहुत ही मासूम जो तुम्हारे ऊपर कभी शक भी ना करे, है ना, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम बहुत ही डेंजर, क्या ही बताऊं बस तुम्हें, है ना, तुमने कहा सर ये लो पकड़ो, क्या पकड़ो, चेक, क्या पकड़ लो सर, बिल तो एक्सचेंज मैं तुम्हें पकड़ा देता हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर चेक दिया, सिर्फ क्या दिया, क्योंकि अब जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो चेक की बात है और किसी और की बात नहीं है ना, राइट, तुमने मुझे क्या दे दिया भैया, ए बाबू लो, क्या दे दिया, चेक दे दिया, अब ये बताओ जब तुमने मुझे चेक दे दिया अब मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं पहुँचा भाई, है ना, तो मैं कौन हो गया, पे ही हो गया, नहीं हो गया, तुम जैसे निकम्मे बालक को क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, अबे हाँ बिल्कुल सही, ड्रॉर हो गए नहीं हो गए, तो तुम ड्रॉर मैं पे ही, है ना, तू झूठी मैं मक्कार, तुम ड्रॉर मैं पे ही, यही बात हो गई है कि नहीं बात। अब मैं पहुंचा भाई, मेरा खाता HDFC बैंक में है ना, तो भाई मैं चेक लेके कहाँ जाऊँगा, तो मैंने वो चेक डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट इन HDFC बैंक, ठीक है, बहुत खुश मैं, फीस आई है, पैसे आएंगे, नया मोबाइल लूँगा, ये लूँगा वो लूँगा, फीस तो आई ना, बैंक से खबर आ गई, बताओ क्या खबर आ गई, कि भैया जो चेक तुम यहाँ भराने लाए हो ना, हाँ, जिसने खाते से चेक काटा है उसे खाते में इतने पैसे ही ना आए, गरीब आदमी है एकदम, वो पता लगा वहाँ से खबर आई किसकी, कि जो तुमने चेक दिया वो चेक क्या हो गया, वो चेक हो गया डिसऑनर, क्या हो गया सर, वो चेक डिसऑनर, डिसऑनर की वजह भी बैंक ने बताई, डिसऑनर की वजह बैंक ने बताई, नो फंड्स अवेलेबल, तुम्हारे खाते में फंड्स पड़े ही ना है भाई, उरी दादा, और ये डिसऑनर का चेक बैंक ने मेरे घर के एड्रेस पर भेज दिया, इस बात की सूचना, यानी डिसऑनर का नोटिस मेरे घर पे बैंक ने मुझे बता दिया, मैंने कहा भाई ये बड़े यार बड़े ख़राब वाला, क्या बताओ यार, पढ़ लेते हैं चेक भी डिसऑनर करते, पैसे नहीं होते इनके, अब मैं क्या करूँगा, ये तो भी बहुत दिक्कत की बात है ना, अब मैं तुम्हें कूटूंगा नहीं कूटूंगा, तुम्हारे पास आऊँगा नहीं आऊँगा, अब मैंने तुम्हारे पास सूचना भेज दी, है ना, कितने दिन के अंदर, कितने दिन में निकम्मो, 30 दिन में, क्या भेजूंगा, नोटिस, मैंने तुम्हें नोटिस दे दिया, नोटिस टू पे मनी,
ठीक है, कि भाई जो तूने चेक दिया था डिसऑनर हो गया, और तुम्हें एक धमकी भी दी, नोटिस टू पे मनी विद इन 15 डेज, 30 दिन में तो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, मान लो ये जो नोटिस आया ये मेरे पास 1 तारीख को आया, 1 जनवरी को, तो 30 जनवरी तक तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि नलायक वो निकम्मे, कितने दिन के अंदर, यानी 15 दिन के अंदर, यानी 15 जनवरी तक मुझे क्या दे दे, पैसे मिल जाने चाहिए। बैंक ने मुझे नोटिस कब भेजा, 1 जनवरी को, तो 30 दिन के अंदर मैं तुम्हें क्या बता दूंगा, हाँ ठीक है ना, राइट, और कि भाई मुझे क्या कर दे, 15 दिन के अंदर पैसे दे दे। ठीक है, अब ये नोटिस मैंने किसको भेजा, 30 दिन के अंदर तुम्हें, है ना, राइट। अब बताओ तुम क्या करोगे, तुम डेंजर स्टूडेंट को भेज दिया ये नोटिस कि भाई बैंक से एक नोटिस है, अब तुम मुझे दे। अब क्या हुआ, अगर तुमने पेमेंट नहीं दी तो बोलो बाबू अब क्या होगा, अगर तुमने मुझे पेमेंट नहीं दी तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा नाउ, अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, शिकायत है। हाँ तो मैं कह तो रहा हूं दे दो भाई नया चेक दे दे, पेमेंट तो दे, तुम दे ही नहीं रहे, कह रहे पैसे ना आए, मैं क्या करूं, मैं तो पहले वाला ही फर्जी में फर्जी काट दिया था। अब मैं क्या करूंगा, कंप्लेंट करूंगा इन राइटिंग विद इन 1 मंथ। अगर तुमने उन 15 दिन के अंदर मुझे पेमेंट नहीं दी तो 15 दिन खत्म होते ही 1 महीने के अंदर अंदर मैं कंप्लेंट करूंगा कोर्ट में। कहाँ कंप्लेंट करूंगा सर, कोर्ट में कंप्लेंट कर दूंगा 1 महीने के अंदर भाई पेमेंट नहीं आ रही। अब कोर्ट क्या करेगा, अब बात कोर्ट तक पहुंच गई, बात कहां पहुंच गई, कोर्ट। अब देखना कोर्ट क्या, कोर्ट कहेगा सजा मिलेगी, बोलो बराबर मिलेगी, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट कहेगा जितना चेक का पेमेंट था उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करो, जितनी बेटा फीस थी ना तुम्हारी उससे डबल, या फिर तुम कह रहे हो फीस तो मैं पहले ही दे देता, पैसे ना भैया पैसे 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 करते, पैसे पे क्यों मरती है, पैसे ना मेरे पे, तो अक्षय कुमार गाना गा दिया कि पैसे पैसे करते पैसे पे क्यों मरते, जज साहब कह रहे पैसे ना है, मतलब सर जब तुम कह रहे हो जज साहब पैसे होते तो पहले ही चेक क्यों बाउंस होता, और फिर दूसरे अल्टीमेटम में मैं पेमेंट ना कर देता, पैसे ना है, तो जज साहब ने कहा चल भाई कोई बात ना, हम कब मना कर रहे हैं, तू पैसे दे जेल चल, फिर 2 साल की, और तुम ज़्यादा होशियार दिखा रहे जज साहब के पास, तो जज साहब ने कहा या फिर बोथ, फालतू मत बोलियो, है ना, ये सजा क्या कर दी जाएगी, ये सजा जज के द्वारा किसको सुना दी जाएगी, तुम्हारे जैसे डेंजर स्टूडेंट को, खत्म कहानी, समझ गए बाबू। पहले स्टेप में मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मुझे चेक दे दिया, दूसरे स्टेप में चेक के डिसऑनर होने का नोटिस आ गया मेरे पास कि सर जो आपने चेक डाला था उसकी पेमेंट नहीं आ रही क्योंकि उसके खाते में पैसे ना हैं। तीसरे स्टेप में मैंने तुम्हें धमकी दी, ऐसा है नाटक मत दिखा मुझे अब, है ना, जानबूझ के खाते में पैसे हैं नहीं, जानबूझ के चेक दे दिया, 30 दिन के अंदर मैंने तुम्हें नोटिस भेज दिया, 15 दिन के अंदर अब मुझे पैसा चाहिए, पहली पहली 1 महीना खराब हो चुका है मेरा, 15 दिन के अंदर पैसा चाहिए। चौथे स्टेप में तुमने कहा ना दे रहा, 15 दिन में भी ना दे रहा, कर लो क्या कर लोगे, कर लो क्या कर लोगे, मैंने कहा क्या कर लूँगा, मैं जाऊँगा तेरी कंप्लेंट करने कोर्ट में, और कोर्ट कहेगा सर आपके साथ जाते हुए हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी मांगे पूरी करो हम तुम्हारे साथ हैं। छठे स्टेप में तुम ढेर, जेल में भी ढेर हो सकते हो, है ना,
या जेल के बाहर भी तुम्हें ढेर किया जा सकता है। इसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं सर इसे? है ना, 138 से 182। समझ गए लायक हो? यह सर डिसऑनर ऑफ चेक की प्रक्रिया। पढ़ के देख लो, यही बच्चों वाली बात तुम्हें मिलेगी। अब देखो क्या लिखा है, ये वाली बात कितनी कितनी सजा तुम्हारी, अगर कोई भी चेक डिसऑनर हो गया है ड्यू टू इनसफिशियंट फंड। कैसे सर? इनसफिशियंट फंड, जेल, पैसा या दोनों, है ना। ये बात मैंने तुम्हें सबसे आखिरी में लिखवाई कि रिजल्ट क्या होगा, पर ऐसा हुआ क्यों है ये बात लिखी सेक्शन 138 में, है ना। द लाइबिलिटी ऑफ 138 राइज ओनली व्हेन द ड्रॉअर हैज इशू चेक। ड्रॉअर ने चेक इशू किया, तुमने मुझे चेक दे दिया, है ना। किस बात के लिए चेक दिया है? लीगल डेट के लिए। किस बात के लिए? अरे मैंने तुम्हें पढ़ाया तो तुम्हारा लीगल लीगल उधारी है ना, ये इलीगल काम के थोड़ी चेक ले रहा हूं मैं, लीगल काम के ले रहा हूं, ठीक है। तो वो चेक क्या होगा सर? तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, अगर चेक इशू किया गया एज अ गिफ्ट, तुमने कह रहे सर आपका बर्थडे है सर, हमारी तरफ से 5100 रुपये का चेक, ठीक है ना, तो उसमें सजा नहीं होती, चाहे वो चेक क्या हो जाए। तुमने वो मजे ले लिए, तुमने कह रहे बर्थडे पे मैं वहाँ पे चेक करने, वहाँ बाउंस हो गया चेक। मैंने कहा भाई है अप्रैल फूल बना रहे थे, तुमने मेरा बर्थडे फूल बना दिया है। तो जज साहब ने कहा देखो बच्चे ने मजाक किया है, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि आपका लीगल कोई क्या नहीं थी, परेशानी नहीं थी, कोई लीगल डेट नहीं था, तो देखो आप सजा नहीं मिलेगी 138, ठीक है ना। इट हैज बीन प्रिज्यूम्ड दैट होल्डर ऑफ द चेक रिसीव चेक इन होल और पार्ट और एनी डेट ऑफ द लायबिलिटी, दैट इज द बर्डन टू प्रूव, बर्डन प्रूव दैट चेक इस पर्टिकुलर केस वॉज नॉट गिवन टू डिस्चार्ज द लीगल इन्फोर्समेंट डेट इज लाइज ऑन द ड्रॉअर। तो चेक जो दिया गया है वो किसके लिए नहीं दिया गया? नॉट फॉर द लीगल, यानी किसके लिए दिया गया है? चेक एज अ गिफ्ट दिया गया है, ये ड्रॉअर को प्रूफ करना है। अरे सर मैंने तो आपको चेक दिया था, पर क्यों दिया था? अरे सर गिफ्ट के तौर पे दिया था। सर आप दिल पे मत लेना, गिफ्ट के तौर पे दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये प्रूफ, लेकिन अगर तुमने प्रूफ नहीं किया तो हम प्रिज्यूम क्या करते हैं? प्रिज्यूम कि वो चेक क्यों दिया गया है? डेट के लिए। वो चेक क्यों दिया गया है? डेट के लिए, यानी कि टीचिंग सर्विस के लिए अज्यूम किया जाए। किसके लिए अज्यूम किया जाएगा? ये बात किसने बोली? सेक्शन 138 ने लायक 139, ये बात सेक्शन 139 ने बोली है कि क्या ज़ूम किया गया है? टीचिंग इज लीगल डेट नॉट गिफ्ट। टीचिंग क्या है? लीगल डेट है, गिफ्ट नहीं है, ये बात 39 ने बोली, ठीक है। सजा क्या है सर? ये सजा किसने सुनाई है सर? कोर्ट जो सजा देगा किसमें देगा सर? 138, 139 ने क्या बोला? जो सजा तुम्हें सुनाई गई है वो क्यों सुनाई गई है? तुम्हारे लीगल डेट की वजह से। अगर ये लीगल डेट नहीं है तो ड्रॉअर ये प्रूफ करेगा। कौन प्रूफ करेगा? ये ड्रॉअर को प्रूफ करना है। बर्डन टू प्रूफ इज ऑन द ड्रॉअर कि ये जो चेक दिया गया था वो लीगल डेट के लिए नहीं था, ये तो सिर्फ गिफ्ट और चैरिटी वाले मामले के लिए था। अगली बात, डिसऑनर, चेक का डिसऑनर होने का कारण क्या होगा? इनसफिशियंसी ऑफ फंड, ये तो हमने अपने SRK में नोट कर ही लिया। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, अच्छा चेक का प्रेजेंट करना होता है सर, ये बात RBI ने बताई, 3 महीने प्रेजेंट करना होता है या 3 महीने से पहले कभी भी, इसलिए लिखा है व्हिचएवर इज। भाई तुमने मुझे आज चेक दिया तो मैं 3 महीने का क्यों वेट करूंगा? मैं तो आज ही डाल जाऊंगा बैंक में, है कि नहीं बात? अरे फीस जल्दी मिल ले, 3 महीने बाद क्यों लूंगा, आज ही डाल दूंगा बैंक में, तो इसलिए व्हिचएवर इज अर्लियर। नोटिस टू ड्रॉअर, है ना, कितने दिन के अंदर नोटिस देना ड्रॉअर को? ड्रॉअर कौन होगा? तुम। कितने दिन के अंदर लिखवाया मैंने? 30 दिन के अंदर लिखी बात। पेई मस्ट गिव नोटिस इन राइटिंग कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक फ्रॉम द बैंक, ये वाली बात ये लिखी हमने।
है ना, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, है ना। ठीक है, अगला पढ़ना। नोटिस मस्ट रिक्वायर द ड्रॉअर टू मेक द पेमेंट ऑफ द मनी ड्यू ऑन द चेक। और नोटिस में जब मैं तुम्हें दूंगा तो उसमें क्या बोलूंगा कि भाई तू पीछे क्या कर दियो सर, पेमेंट जरूर कर दियो, पेमेंट जरूर कर दियो, है ना। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, कहाँ अटक गया भाई। एक मिनट जरा सेल चेंज कर लेना। अब ठीक है ना, तो बताएंगे कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। और मैं तुम्हें 30 दिन के अंदर जो दूंगा, क्या दूंगा कि भाई तुम्हें पेमेंट करनी है जो चेक पे ड्यू थी। ये बात हमने कहाँ पढ़ ली सर? ये बात ये पढ़ ली सर, 30 दिन के अंदर, है ना। अगली बात मैं क्या बोलूंगा कि मुझे आप कितने दिन में पेमेंट कर दे? 15 दिन के अंदर। तो लाइबिलिटी ऑफ 130 ट्रेड इफ इफ विद इन 15 डेज रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अगर 138 सेक्शन की लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी अगर तुमने 15 दिन के अंदर पूरा अमाउंट नहीं दिया। हाँ फिक्स है, ये तो लिखे हैं। अगर तुमने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, इफ नॉट पेड इन 15 डेज, तो फिर तुम्हारे ऊपर ये लाइबिलिटी तैयार तैयार रहेगी। कोर्ट जब भी नोटिस देगा इससे कम नहीं होगी लाइबिलिटी। अच्छा तुमने कहा चल आधे ले लो सर, आधी पीछे, तो आधी बाद में दे दूंगा ना, तो भी क्या होगा? ड्रॉअर मेक्स ओनली द पार्टमेंट कंसिडर एज डिफॉल्ट, तो भी डिफॉल्ट ही माने जाओगे तुम। ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर एक्शन कब शुरू हो जाएगा? 15 दिन खत्म होते, जो मैंने तुम्हें कहा था ना भाई 15 दिन पेमेंट हो जानी चाहिए, 15 दिन के बाद है ना तुम्हारे ऊपर एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। ये 30 दिन अलग है, 15 दिन अलग है ये। अरे पढ़ो ना, मैंने तुम्हें नोटिस दिया 30 दिन में, है ना, और मैंने बोला कि भाई जब तुझे नोटिस मिल जाए उसके 15 दिन में पेमेंट आ जानी चाहिए, नहीं आएगी तो कोर्ट तैयार रखना। ठीक है, तो 30 दिन अलग है और ये 15 दिन अलग है। अगली बात सर, डिफेंस नॉट अलाउड। डिफेंस मतलब कोर्ट में, कोर्ट में इट शैल नॉट बी डिफेंस इन द प्रोसिक्यूशन, यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग में, कोर्ट की जब क्या चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में इस बात का डिफेंस अलाउ नहीं होगा कि ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव, कि ड्रॉअर को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो उसने चेक दिया था वो डिसऑनर भी हो सकता है। भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता भाई। कोर्ट कहेगा कंटाप मारेंगे खान के नीचे तुम्हारे, कंटाप। तेरे को यही ना पता था कि तेरे खाते में कितने पैसे हैं? सर मेरे को लग रहा था ऐसा कि ऑनर हो जाएगा, है ना। तो जब सब कह रहे पासबुक नहीं है तेरे पास, बैंक के कन्याकुमारी में खोल रखा है, नेपाल में खोल रखा है, जाके बांग्लादेश में है नेपाल बैंक तेरा, है तो घर के पास ही तो खोली होगी बैंक में खाता, है ना, या फिर बिजनेस जहां होगा दुकान के पास ही तो खोला होगा। तुझे यही ना पता तेरे खाते में कितने पैसे पड़े? होश में आ जा, होश में है, हमें सिखा रहा बिजनेस धंधा करना, बिजनेस करना। तो सर ने क्या बोला, इस बात का डिफेंस बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं कि ड्रॉअर हैज नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशू द चेक एंड दैट चेक मे बी डिसऑनर ऑन द प्रेजेंटमेंट फॉर द रीजन स्टेटेड इन द सेक्शन, कि उसको क्या नहीं है सर, उसको ये बिलीव ही नहीं है कि व्हेन ही इशूड चेक दैट चेक, जब उसने चेक इशू किया तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा फॉर द रीजन स्टेटेड इन द सेक्शन, रीजन स्टेटेड इन दिस दैट सेक्शन, सेक्शन इस सेक्शन में जो लिखा है कौन सा, इनसफिशियंट फंड। कि उसे बिलीव ही नहीं है कि उसका चेक डिसऑनर हो सकता है इनसफिशियंट फंड की वजह से। सर मैं तो बहुत अमीर आदमी हूं सर, गलती हो गई होगी, अरे सर ऐसा हो नहीं सकता सर।
बात समझ में आई ना, जब सामने का नाटक मत दिखा, कंटाप लगेगा बहुत तेजी से, नाटक मत दिखा, ये तेरा कोई डिफेंस और तेरी कोई दलील सुनी नहीं जाएगी कि सर इनसफिशेंसी ऑफ फंड तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, है कि नहीं बात। अब बिलीव करना हो या ना करना हो गया ना, बिलीव करना हो या ना करना हो गया ना, इनसफिशियंट फंड बात खत्म। चाहे तेरी गलती भी ना हो, भाई तुमने सोचा हो कि किसी से पेमेंट आनी ही थी तो इतने में तेरे खाते में पेमेंट आ जाएगी, जब तेरे खाते में पेमेंट आ जाएगी उसके बाद मैं क्या करूंगा, बैंक में डालूंगा तो मेरा चेक क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। अरे भैया तुम्हारे पास कहीं से पेमेंट आई हो ना आई हो, मेरा चेक तो तुमने क्या होगा, डिसऑनर हो गया ना, तो तुम्हारा ये बिलीव ये डिफेंस काम नहीं आएगा, समझ गए भैया। ये हम पढ़ेंगे प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगले लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चेन है, ये 61, 62, 63, 64, 65 यानी 61 से लेके सेक्शन 76 तक, यानी कि 16 सेक्शंस की क्या है ये चेन है, पर छोटे छोटे सेक्शन है पर 16 सेक्शन की चेन है, तो पूरी चेन एक साथ पढ़ाऊंगा तुम्हें लेक्चर में, पूरी चेन का बढ़िया SRK बना के अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना, 77 तक। अब जो कंपनसेशन तुम्हें मिला उसके जज साहब ने जो रूल बनाए, यानी डिसऑनर वाले सेक्शन के साथ क्या पढ़ देना है, 117 भी पढ़ लेना है। क्या लिखा है, कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्टी शैल बी डिटरमाइन द फॉलोइंग रूल, उनको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जिनका चेक डिसऑनर हुआ है उसको क्या करने पड़ेंगे सर, ये रूल मानने ही पड़ेंगे। क्या, होल्डर इज एंटाइटल टू अमाउंट ड्यू, जो होल्डर है ना वो लायबल है यानी एलिजिबल है क्या करने के सर, पैसा वसूलने के। कितना पैसा वसूलोगे बताओ, यानी अगर मुझे पैसा वसूलना है तो ये बताओ, यहां मैं जज साहब को क्या बोलूंगा कि जज साहब आपने मुझे ये दिया बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया आपने मुझे बात ये दे दिया बहुत बढ़िया बात, लेकिन इससे मजा नहीं आ रहा, साथ में क्या दो, इंटरेस्ट भी कह सकता हूं, और क्या दो, खर्चा पानी भी, क्या दो, खर्चा पानी दो, कोर्ट में आने में जो टेंशन हुई, वकील के पैसे, केस लड़ने के पैसे, ऑफिस की है ना कंपनी में टेंशन, वो खर्चा पानी भी लूंगा मैं। तो जज साहब ने बोला भाई 138 के साथ साथ कहाँ पहुंच जा अब तू, 117 पहुंच जा। अब 117 में देख, जो तू अलग अलग बातें कह रहा है ना, ये तो सजा सुना दी मैंने कि जिसने चेक डिसऑनर किया उसको इतना पैसा देना है, अब तू इसके अलावा ये चीज़ें और उससे लपेट ले, मैं कोई देख सेक्शन, लेकिन 138 नहीं 117 का सारा लेना पड़ेगा। तो 117 ने बोला कि जिसके साथ धोखाधड़ी की गई है वो चेक का जो पैसा है वो तो लेगा ही लेगा, साथ में क्या लेगा, एक्सपेंस ऑफ द नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, एक्सपेंस ऑफ द नोटिंग एंड, अब आती है बात सर, ये नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का एक्सपेंस और ही ज्यादा क्या हो गया, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का एक्सपेंस क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं, व्हाट इज नोटिंग एंड व्हाट इज प्रोटेस्टिंग, सुनेंगे ध्यान से, या इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं तो, है ना, इसको इसमें नोटिंग प्रोटेस्टिंग होती क्या है, नोटिंग का मतलब क्या होता है सुनना ध्यान से, नोटिंग का मतलब होता है कि प्रोवाइडिंग, है ना, नोटिंग मींस प्रोवाइडिंग दैट द ट्रुथ, ऐसे दैट यहां नहीं लगाते, प्रोवाइडिंग द ट्रुथ दैट इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर, इस बात का सबूत लेके आओ, है ना, इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिसऑनर है, तो ये सबूत कौन देगा, सच प्रूफ कौन देगा, इज गिवन बाय गवर्नमेंट, पे ही नहीं गवर्नमेंट देगी, यानी कि है ना नोटरी में जाके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको नोट यानी कचहरी में जाके, कचहरी को बोलते हैं नोटरी, नोटरी में जाके कचहरी में जाके तुम्हें ये बात लिखवानी पड़ेगी, है ना, कि मुझे लिख के दो, हाँ तुम्हें लिख के मिलेगा, इसका तुम्हें मिलेगा सर्टिफिकेट, क्या मिलेगा,
उसी को बोलते हैं क्या, प्रोटेस्टिंग। तो प्रोटेस्टिंग का मतलब लिखो, प्रोटेस्टिंग इज सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट दैट बिल इज एक्चुअली डिसऑनर। जो तुम्हें बिल मिला है वो क्या हो चुका है, डिसऑनर। यानी कि तुम पहुंचे पहले नोटरी में, तुमने अपनी बात को क्या करा लिया, नोटिंग करा दी कि भाई देखो मेरा एक बिल है वो डिसऑनर हो चुका है और इस बात का मैं तुम्हारे पास सबूत लेके आऊं। क्या सबूत लेके आऊं, बैंक का नोटिस, कि देखो बैंक से नोटिस भी आ गया और बैंक से चेक भी मेरे पास आ गया कि ये वाला चेक जो तुमने बैंक में डाला था ये इनसफिशियंट फंड की वजह से क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। अब मैं यही नोटिस यही तुम्हारे पास लेके आया हूं कि भाई इस बात को तुम कोर्ट में लिख लो, कल को मैं लड़ूंगा ना तो वो क्या बोल देगा, झूठ बोल रहा है, तुम नोट कोर्ट में। अब कोर्ट जब इस बात को, यानी कि नोटरी जब इस बात को देख लेगा हाँ बैंक का नोटिस है बिल्कुल सही है, तो मुझे क्या दे देगा, सर्टिफिकेट दे देगा कि सर आप सर्टिफिकेट ले जाओ, चिंता मत करो। तो इसको क्या, अगर इसका प्रोसीजर बताऊं, ये तुम्हारे एग्जाम कोर्स में नहीं है, ये ज्ञान एक तरीके से कह दो क्या है, ज्ञान की बात है, पर है ना राइट। अब देखो अगर आ गया एग्जाम में, ज्ञान भी मत लिखो भाई, अगर आ गया एग्जाम में तो मुझे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, प्रोसीजर। सबसे पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ होगा, डिसऑनर हुआ होगा, ठीक है ना। तो डिसऑनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो डिसऑनर हो गया उसे क्या करो, हाँ नोटरी में दे दो। ये तो पहला स्टेप हो गया तुम्हारा। सर जी फिर क्या करेंगे, नोटरी पब्लिक क्या करेगी, इसको रिकॉर्ड कर लेगी नोटरी पब्लिक, इसे रिकॉर्ड करने से पहले प्रेजेंट करती है उसी बंदे को, नोटरी पब्लिक इसी डिसऑनर चेक को फिर से प्रेजेंट करती है कि भाई देख तेरा ये चेक डिसऑनर हो गया था, हम कोर्ट की तरफ से कहते हैं है ना राइट कि पेमेंट दे दे अभी भी इसी चेक की, इसी चेक की फिर से हम तेरे से पेमेंट मांग रहे हैं, नया चेक बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक इसे वैलिड मान लेगा अगर हम कोर्ट की तरफ से लिख के दे देंगे। उसके बावजूद भी अगर फिर भी चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट नहीं होती है ना, पेमेंट भी कह दो, या तो कह दो पेमेंट के साथ साथ एक्सेप्टेंस वाली बात भी लिख दो, पेमेंट या एक्सेप्टेंस नहीं होती तो क्या होगा, तो लाल पेन से लिख रहा हूं, डिसऑनर के फैक्ट, क्यों चेक डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर के फैक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये इसका प्रोसीजर है, रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि इसी कारण की वजह से ये क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है, और आप एक बंदे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसकी जो फीस है इनकी क्या लगती है, इन दोनों चीजों की फी देनी होती है। अब सेक्शन 117 क्या बोल रहा है, सेक्शन 117 क्या बोल रहा है कि इन दोनों की जो फीस देनी है ना ये भी तो किससे वसूल ले, यू आर एंटाइटल द एक्सपेंसेस ऑफ नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, कि नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग के खर्चे भी तो किससे वसूल ले,
स्टूडेंट से वसूल ले, मुझे कह रहे है ना, जिसने चेक क्या कर दिया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, अगली बात जो बहुत सिंपल सी बात है, अगर पर्सन रहता है एक ऐसी जगह पर है ना जहां से उसने चेक इशू किया है उससे दूसरी जगह पर रहता है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो अगर देश बदल रहा है ना, यानी कि कोई इंटरनेशनल चेक आया है तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है कि भाई किसी ने मुझे क्या काट दिया, चेक काट दिया डॉलर में। कोई बच्चा कह रहा है मैं तो दुबई से पढ़ रहा हूँ सर आपको, तो मैं तो दुबई की करेंसी क्या होती है, दरम, है ना, तो मैं तो आपको चेक दूंगा दरम में, मुझे नहीं पता कैसे कन्वर्ट करना है ऐसे रुपये में, मैं चेक ले जाऊँ मुझसे, अब बताओ अभी थोड़े पैसे मरने दूंगा, तो मैं उस चेक को क्या करूंगा जब कन्वर्ट कराऊंगा तो क्या लगाऊंगा, ये करंट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो भी उस डॉलर का रेट चल रहा होगा। तो पढ़कर देख लो, पर्सन चार्ज्ड यानी कि जिसने चेक बनाया वो कहीं और रहता है और जहां पे वो पेबल हो रहा है वो इंडिया है, यानी जो रहता है वो मान लो दुबई में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है और पेबल कहां हो रहा है, इंडिया में। तो होल्डर यानी कि मैं एंटाइटल हूं रिसीव करने के लिए एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जो दो जगह के बीच का एक्सचेंज रेट है। और जो मुन्नी कह रही थी ब्याज भी तो लोगे, सर ब्याज ना लोगे, ब्याज लूंगा, क्यों, तुमने मुझे एक महीना डेढ़ महीना जो शिकायत है ना मुझे टेंशन दी है, अगर यही पैसा कहाँ पड़ा होता, बैंक में पड़ा होता तो ब्याज नहीं मिलता मुझे। और ब्याज देखो कोई बैंक के FD से बराबर या इसके बराबर नहीं, खतरनाक 18% का ब्याज तैयार रखना बेटा अगर चेक डिसऑनर हो गया तो, 138 तो तैयार रखोगे बेईमानी के केस में, है ना, जेल अमाउंट, ठीक है, साथ में ब्याज कितना 18%, पढ़ के देख लो, विद ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डिसऑनर एंड पेमेंट, यानी ब्याज के साथ साथ नोटिंग प्रोटेस्टिंग वकील के पैसे सबका खर्चा मांगूंगा मैं, ब्याज तो मांगूंगा नोटिंग प्रोटेस्टिंग का खर्चा भी मांगूंगा और अदर एक्सपेंस मांगूंगा, है ना। ऊपर वाली बात सेम लिखी है, अब ऊपर वाली बात के लिए डायरेक्ट पेबल था, यहां पर क्या लिखा है एंडोर्स, अगर ये वाली बात है ना, जिस पर्सन को चेक दिया वो अलग जगह रह रहा है, लेकिन भाई तुम खतरनाक बालक ने तुमने चेक दिया मुझे अंकुर को, मैंने दे दिया भैया पराग गुप्ता सर को, पराग गुप्ता सर ने दे दिया एक्स को, एक्स ने दे दिया शाहरुख खान को, अब तुम रह रहे हो नोएडा में, शाहरुख खान रह रहा है ना दूसरे देश में, शाहरुख खान रह रहा भैया अब मैं तो इटली में रह रहा हूँ, इटली में कनाडा छोटी बातें रहती हैं, बहुत रह लिया इंडिया, अब इटली में रहता हूँ, है ना, मुंबई छोड़ो कहाँ निकल लिया वो इटली में, लेकिन तुम्हें पेमेंट किसी दिन थी, है ना, दिल्ली में। तो शाहरुख खान क्या बोलेंगे, मैं इटली अगर कहीं भी चेक बुनाऊंगा तो मुझे करना पड़ेगा उस वाले देश का एक्सचेंज रेट लगाना पड़ेगा, यानी शाहरुख खान को क्या बोला गया, एंडोर्सर के हिसाब का क्या एंडोर्सी क्या बोला गया, तो वेयर एंडोर्सर, जिसने चेक बनाया वो नहीं एंडोर्सर। अच्छा ये वाली बात किसके लिए थी, जिसने चेक बनाया, ये वाली बात किसके लिए थी, जिसने चेक बनाया, ये वाली बात किसके लिए, एंडोर्सर के लिए। तो चेक बनाने वाला तो मान लो इंडिया में है, लेकिन जिसको मैंने एंडोर्स किया वो दुबई में है, और दुबई वाले ने किसको दे दिया, आगे दे दिया, तो एक्सचेंज रेट कहां का लगेगा, एंडोर्सर और बोलो है ना जो चेक ले रहा है, तो उस बात को ऐसे लिख दिया, वे पर्सन चार्ज एंड सच एंडोर्सर रिजाइड एट डिफरेंट प्लेस, यानी चेक को एंडोर्स करने वाला किसी और जगह पर रहता है, द एंडोर्सर इज एंटाइटल टू रिसीव द सम एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस, सेम बात है ऊपर वाली, तो एक्सचेंज रेट ले लेना, दो अलग अलग प्लेस का एक्सचेंज रेट लगा लेना, ठीक है। और आखिरी बात सर, आखिरी बात देखना क्या कह रहा है, पार्टी एंटाइटल टू कंपनसेशन मे ड्रॉप बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कंपनसेट हिम, है ना, राइट, जो कैसे पेबल होगी सर, पेबल एट साइट और ऑन डिमांड टूगेदर विद ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, ठीक है, राइट, यानी सच बिल मस्ट बी accompanied बाय द इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर एंड द प्रोटेस्ट देयर ऑफ इफ एनी, सच बिल इज डिसऑनर द पार्टी डिसऑनरिंग द सेम इज लायबल टू मेक द कंपनसेशन देयर ऑफ इन द सेम मैनर इन द केस ऑफ ओरिजिनल बिल, यानी सिंपल सी बात है कि पार्टी एंटाइटल टू कंपनसेशन मे ड्रॉ द बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कंपनसेट हिम, वो क्या करेगी, एक नया बिल भी ड्रॉ कर सकती है, क्या वो कर सकती है,
नया बिल भाई, जिसके साथ कोई भी गड़बड़ हुई वो जब अपने पैसे मांगेगा तो कैसे पैसे मांग सकता है भाई, बोलो। नया बिल ड्रॉ करके तुम कह रहे हो भैया देख है ना, जो तूने बेईमानी करी उसके अलावा मैं तुझसे क्या कह लूँगा। अगर कोई भी चीज़, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है तो एक तो मैं तेरे से किसका पैसा लूँगा, नोटिंग प्रोटेस्टिंग का, दूसरा मैं किसका पैसा लूँगा, इंटरेस्ट, और साथ साथ क्या लूँगा, अदर खर्चे भी लूँगा। तो जो मैं तेरे से नोटिंग प्रोटेस्टिंग का पैसा ले रहा हूँ, जो मैं तेरे से नोटिंग प्रोटेस्टिंग और 18% का ब्याज ले रहा हूँ, इन दोनों का खर्चा जोड़कर, और जो तूने चीज़ें डिसऑनर कर दी, जो अमाउंट तूने डिसऑनर कर दिया, तो तुम्हें तीन चीज़ें देगा, क्या देगा, क्या क्या देगा भाई। एक तो तू मुझे मेरा पैसा देगा, प्लस नोटिंग प्रोटेस्टिंग का क्या देगा, खर्चा देगा, प्लस 18% क्या देगा, ब्याज देगा, या कोई भी मान लो कोई अदर खर्चा भी देगा है ना, जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ वकील के, इधर उधर के पैसे, इन सब के पैसे मैं तुझसे कैश नहीं मांग रहा, इस सब के पैसे मैं तुझसे, इन सब के पैसे के लिए मैं तेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सर, ड्रॉ अ बिल कि भाई ये सारी चीजों का तू मुझे क्या दे दे, पैसा दे दे, अब तू नया बिल या नया चेक, या तो चेक मुझे इशू कर दे या मैं तेरे ऊपर क्या कर रहा हूं, बिल ड्रॉ कर रहा हूं। तो जो दुखी पार्टी है, जिसके साथ डिसऑनर का धोखाधड़ी हुई है, वो बिल को ड्रॉ कर सकता है कि भाई तू, मैं तेरे ऊपर नया बिल ड्रॉ कर रहा हूं, तुझे क्या कर, एक्सेप्ट कर और मुझे कंपनसेट कर। और वो बिल कैसे पेबल होगा, पेबल एट साइट और पेबल ऑन डिमांड। तो जो मैं बिल ड्रॉ करूंगा बिल, वो पेबल कैसे होगा, साइट और डिमांड। साइट का मतलब समझते हो, पेबल एट साइट, जैसी मैं दिखाऊंगा, साइट का मतलब दिखाऊंगा, जैसी मैं दिखाऊंगा तेरे को पैसे देना पड़ेगा। ये जैसे चेक होता है, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, जब मैं तुझसे मांगूंगा है ना, राइट। तो मैंने कह दिया भाई देखिए बिल है, जिस दिन मैं तुझसे मांगूंगा, हेलो भाई पैसे दे दे, उस दिन तुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और साइट का मतलब क्या होता है, मांगूंगा ही नहीं, मैं तो सीधा लाके तेरी टेबल पे रख दूंगा, ये दे पकड़ दे किसे, है ना। तो मैं तुम्हारे ऊपर वो बिल ड्रॉ करूंगा, होश में सुनना, मैं तुम्हारे ऊपर इन सभी पैसों का बिल ड्रॉ करूंगा, 18% का भी बिल ड्रॉ करूंगा, नोटिंग प्रोटेस्टिंग का भी बिल ड्रॉ करूंगा, 18% का भी करूंगा, खर्चे का भी बिल ड्रॉ करूंगा। और बिल जो ड्रॉ करूंगा पेबल कैसे होगा, साइट या डिमांड पर, नहीं तुम्हारे ऊपर पेबल एट साइट का, ये ले पकड़, दिखते ही तुम, जैसे तुम्हें वो बिल दिखेगा तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर डिमांड, जब मैं डिमांड करूंगा पैसा निकाल, तो तुम्हें याद है पिछले क्लास में कहा था, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक तो तभी तुम्हें पेमेंट होगी जब तुम उसे एक्चुअली में डिमांड करोगे बैंक से। कितने कितने अमाउंट का, सारे खर्चे मिलाकर, सच बिल में क्या होगा, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का भी पैसा जुड़ा होगा। इफ सच बिल इज डिसऑनर द पार्टी डिसऑनर द सेम इज लायबल टू मेक कंपनसेशन देयर, सेम मैन इन द केस ऑफ ओरिजिनल बिल। अच्छा ये बताना, जो मैंने तुम्हें न्यू बिल बनाया, क्या बनाया, अगर वो भी डिसऑनर हो गया तो सेम, पहले तुम, मैंने तुम्हें ओरिजिनल बिल बनाया भाई, फीस का बिल तुमने क्या कर दिया, उसे मुझे दिया, और वो क्या हो गया, मैंने उसे बैंक में जमा किया, बैंक ने क्या बताया कि वो बिल क्या हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया, हाँ मैंने तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया, केस, यानी तुम्हारे कंप्लेंट कर दी है ना, कंप्लेंट कर दी, बोलो। अब कंप्लेंट में जो मुझे फेवर मिला कि क्या क्या वसूल लो, हाँ, या डिसीजन जो आया, कोर्ट, कि भाई पैसा भी लो, खर्चे भी लो, 18% भी लो, और जो दुगना पैसा है वो भी ले लो, है ना। तो इसके लिए मैंने तुम्हारे ऊपर क्या किया, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या दी होगी,
सर्विस। अब मैंने तुम्हें इसके लिए क्या कर दिया, क्या दे दिया बताओ, न्यू बिल तुम्हें दिया, इसे एक्सेप्ट करो। अब पता लगा तुमने इसे एक्सेप्ट करने के बाद, ये हो गया पहला प्रोसेस, ये हो गया दूसरा प्रोसेस। अब तुमने क्या किया, न्यू बिल ऑल्सो तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, है ना। एक्सेप्ट करने का पता लगा कि जो नया बिल था वो भी क्या हो गया, डिसऑनर। अब क्या होगा, न्यू बिल जो डिसऑनर हुआ, न्यू बिल डिसऑनर की सजा भी सेम है ना। पैसा कितना है सर, डबल डबल पैसा, एक्सपेंस 18%। यहाँ भी क्या है, सेम है, सजा सेम, डबल पैसा, एक्सपेंस 18%, ये बात लिखी है, समझ गए। तो पहला बिल दिया, पहले बिल को क्या हो गया सर, वो डिसऑनर हो गया। फिर मैंने तुम्हारे ऊपर नया बिल इशू कर दिया, नया बिल भी क्या हो गया, तीसरे स्टेप में नया बिल भी तुमने डिसऑनर कर दिया, तो उसकी सजा भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये लिखी है बात। इफ न्यू बिल, सच बिल के ऊपर क्या लिख दोगे, न्यू, जो मैंने तुम्हें नया बिल ड्रॉ किया तुम्हारे ऊपर। इफ न्यू बिल डिसऑनर, पार्टी डिसऑनरिंग द सेम इज लायबल टू मेक सेम मैनर एज द केस ऑफ ओरिजिनल बिल। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, है कि नहीं बात। तो भाई ये कोटेशन इसे लिख के देता हूँ कि भाई तुम क्या करो सर, है ना, थोड़े मोटिवेट रहो कि भाई ये तो छोटी बात लिखी है मैंने, लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, लाख रुपए में आजकल बड़ी है ना मुश्किल से जीवन चल रहा लोगों का आजकल भी, ठीक है। तो भाई मौका जीवन में एक ही बार मिला है, तो ये बात मैं याद रखना, जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है, तो मौका एक ही बार मिलता है, धोखे बार बार मिलेंगे, तो इसलिए होश में पढ़ लेना। अब तक जितना भी पढ़ाया, अगली क्लास की लास्ट क्लास होगी, अब तक जितना भी पढ़ाया उसे मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, इंटर लेवल का सोच के पढ़ाया, कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बन जाए तो भी तुम्हें एक एक चीज़ के बारे में ढंग से क्या हो, पता हो कि किस तरह का बिल क्या, ऑर्डर बिल क्या होता है, इनलैंड बिल क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है कि नहीं बात। और आज का मुद्दा क्या पढ़ा फिर हमने, आज का मुद्दा हमने फाइनली क्या पढ़ लिया सर, हाँ बोले जल्दी, डिसऑनर चेक से पहले क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा ट्रांसफर, 47, 48, 46, फिर पढ़ा डिसऑनर, 138 याद रखना है ना, बस डिसऑनर पढ़ा, उसकी सारी बातें पढ़ ली, और फिर पढ़ लिया 117, राइट, कि अगर डिसऑनर होता है, क्योंकि 117 बिल्कुल डिसऑनर से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसके साथ पढ़ा दिया कि डिसऑनर होता है तो क्या होता है। तो उम्मीद है बहुत बड़े तरीके से समझ में आएगी, ऑनलाइन वाले बच्चे, बोलो सर मजा आ गया सर, जल्दी बोलो भाई, बहुत 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 डिटेल में पढ़ा, बोलो मजा आ गया सर, बोलो जल्दी बोलो, है ना सर, बच्चे सभी कह रहे हैं सर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना, तब तक जितना भी पढ़ लिया है शिद्दत से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, टिप्स पे होनी चाहिए अब तुम्हारी एक एक बात, खासकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की।